ना मतलब बड़ा डाइसिस है सब कुछ, के समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। एक ये नहीं समझती, इनको समझाने की कोशिश करो तो। यार माँ बाप बच्चों की फिक्र करते हैं, बच्चों को भी माँ बाप की फिक्र होती है, और एक टाइम के बाद खासतौर से वो अकेली रहती हैं, कोई टेक केयर करने वाला नहीं आसपास, तो मतलब टेंशन रहती है पूरे टाइम ना। आज डांटेंगे चल के, है ना, सबसे पहले तो ठीक है। तो आप आराम से जी पाओ। नहीं मैं आराम से जी रही हूँ, मैं घर में बैठ के बीमार पड़ जाऊंगा। घर में बैठ के कुछ आप क्लासेस लगवा दूंगा वहाँ बैठ के। एक काम करो, कुकिंग का शौक है। आखिरकार क्या हुआ लगन के साथ और नीतू के साथ कि लखन और नीतू हैं इतने परेशान? अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ लखन और नीतू का कहना है कि नीतू की माँ जो है उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो सिंगर मदर हैं और उनके पापा नहीं हैं, जिसकी वजह से वो घर में अकेली रहती है। उनकी माँ अभी जॉब भी करती हैं, लेकिन उनकी माँ जॉब नहीं छोड़ना चाहती। वहीं भी लखन का कहना है कि आप जॉब छोड़ दीजिए, आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उनको अपने जॉब से बहुत ज़्यादा प्यार है और वो सोचती हैं जॉब करूँ और अपने हाथों पैरों पर ऐसे ही खड़ी रहूँ। लेकिन नीतू और लखन को उनका बड़ा ज़्यादा टेंशन है, जिसकी वजह से लखन उनके पास गए थे और अपने साथ रखने की बात की, लेकिन उन्होंने साथ रहने से साफ मना कर दिया। तो आपकी क्या राय है नीतू लखन को लेके, जरूर कमेंट में बताइए।